देखिए, ये आपकी सीट है। जैसे कि अगर आप इस सीट पे पासवर्ड देना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग ही कुछ एरिया में ही हम यहाँ पे एडिटिंग कर पाए, हमें पूरी सीट में एडिटिंग नहीं करनी है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अलाउ यूजर टू एडिट रेंट, इस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ से ये वाली रेंज ले लेते हैं। ठीक है, हम नाम किला चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं। जो भी पासवर्ड आपको देना है, इस पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी इसमें पासवर्ड देना है वो पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे। हाँ, ये सेकंड वाला जो दिया है ना, वो सीट के लिए रहता है, और जो फर्स्ट टाइम दिया था आपने, वो आपने की इस रेंज के लिए दिया है। अब आप इसमें कुछ टाइप करेंगे, देखिए टाइप नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए आएंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा वो, तो आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे और ओके करेंगे। हाँ अब आप इसमें जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कर लिया आपने। ठीक, लेकिन ये जो आउट ऑफ एरिया और भी आ रहा है, नाम के अलावा जितना यहाँ पे दिया गया है डाटा, उसमें आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपने अभी भी प्रोटेक्ट की हुई है आपकी सीट। हटाना है तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी पासवर्ड दिया तो पासवर्ड दे देंगे और ओके कर देंगे, तब तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आज वो हम आगे बताएंगे, आगे आएगा ऑप्शन, इतना आ जाएगा आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रैक चेंजेस। जैसे कि ये नाम है आपको, यहाँ पे ये नाम कोई चेंज कर देता है, ये सीट पे आपने ट्रैक चेंजेस दिया है, अब इस सीट में जो भी पर्सन एडिटिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो समझ आ जाएगी कि इसमें कुछ एडिटिंग की गई है। पर उसके लिए पहले आपको ट्रैक चेंजेस का यूज करना रहेगा। जैसे कि ये नाम है यहाँ पे सोहन, हम इसमें आपको कर देते हैं ट्रैक चेंज। आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, अब ये ऑप्शन कोई भी से भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये बेयर, बेयर मीन्स कहाँ देना है आपको ट्रैक चेंज, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे ये नेम से लेके इतने वाले में ट्रैक चेंज का यूज करना है, मतलब इसने एरिया में कोई भी कुछ भी चेंजेस करेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन ओके करते हैं और इसको ओके करते हैं, अपन करके देखते हैं यहाँ पे अब होता है या नहीं। ये लिखा हमने, अब बाहर कहीं के लिख दिया तो आपको लग रहा है कुछ चेंजेस, थोड़ा डॉट भी आ रहा है और उसकी जो आउटलाइन है ना, वो अलग कलर में आ रही है थोड़ी। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे भी अपन कर देते हैं। ठीक है, देखिए लग रहा है चेंजेस, आप इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो बताएगा आपको आईसीआईसी यूजर है, मतलब यहाँ पे डेट 20/1/2024 को कितने बजे किया गया है चेंज, 4:42 पर। क्या चेंज किस सेल में किया गया है, B3, B3 वाले सेल में किया गया। पहले क्या लिखा था, सोहन, सोहन के बाद क्या लिख दिया गया है, सौरभ। इस पे लेके जाएंगे, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, देन इस पे लेकर जाएंगे, इस पे भी बताएगा वो आपको। B5 वाले सेल में आपने चेंज किया है, अमित लिखा गया था, विजय लिख दिया आपने। ठीक है, पता चल रहा है आपको इसमें चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ से क्या कर देती हैं, जिसे आप यहाँ पे ट्रैक चेंज का यूज करती हैं, तो ये एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है आपका। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तीनों ऑप्शन को। ठीक, और यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे तो जो सौरभ नाम है इसके जगह पर जो पहले नाम था वही ले लेगा वो रिजेक्ट करने पे, और अगर आप एक्सेप्ट कर देंगे तो ये सौरभ ही नाम एक्सेप्ट करेगा, जिसे हम रिजेक्ट करके बताते हैं। देखिए, सोहन ही ले लिया, एक्सेप्ट नहीं किया उसने, लेकिन अपन ये विजय नाम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे अपन यहाँ पे, ओके। अब वो लेगा नहीं, कि एक बार में शायद एक ही प्रोसेस लेगा वो, तो अब यहाँ पे आपको वो बताएगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर देती हैं तो ये सौरभ ही नाम रहता है वहां पे। ठीक है,
अपन यहाँ पे फिर से करके देखिए, इस पे क्लिक किया अपन ने, यहाँ पे चेंजेस एक्सेप्ट ओके किया, नो मोर चेंजेस बता रहा है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, अभी अपन रहने देते हैं, इस तरह से आप कर लेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे कि अब अपन यहाँ पे किसी और में भी देखे देखते हैं, जैसे ये रोल नंबर है इसमें देना है आपको, तो ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे आप, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और इस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे देना है। ठीक है क्या, और ओके करेंगे क्या, कहाँ पे ये तो ऑल वगैरह जितने भी सीट में करना है एवरी बार, मतलब सबको चेंज करने के लिए ये ऑप्शंस रहते हैं वो। ठीक है, तो आपने इस एरिया में यहाँ पे ट्रैक चेंज का यूज किया, अब आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आ जाएंगे आपको ये सारे ऑप्शंस, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। शेयर ही है ये, देखिए यहाँ पे शेयर लिखा हुआ आ रहा है, ये सीट आपकी शेयर है। हम इसे क्लोज कर देते हैं, देखिए ठीक है, फिर से हम ओपन करते हैं, आपको फिर से बताते हैं हम यहाँ पे अपनी सीट ये थी। ठीक है, देखिए उसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया आपके नाम को, क्लोज करके अपन ने किया और कर दिया उसने एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे और इसे यस करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो यहाँ पे सीट थी उसमें शेयर रेट लिखा हुआ आ रहा था, अब नहीं आ रहा, अभी आपकी नॉर्मल सीट है ये। ठीक है, अब आपको शेयर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे और इसको ओके करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको ये शेयर रेट लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आपकी सीट ये शेयर रेट हो जाएगी। कौन से ये, हाँ ये नहीं होते शेयर में, आप किसी को शेयर कर देंगे तो कोई भी पर्सन रहेगा वो डिलीट नहीं कर पाएगा आपकी सीट को। ठीक है, डेटा तो रहेगा पूरा इसमें पर डिलीट नहीं हो पाएगा इसमें, तो आ जाएगा आपको, अपन इसको अनशेयर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछना है, ठीक है, तो हम आगे बता दें, ओपन करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है व्यू टैब, व्यू टैब में अभी आपका आ रहा है नॉर्मल, अभी आपकी नॉर्मल सीट है ये, अगर आप पेज ब्रेक प्रीव्यू कर देते हैं तो आपकी सीट इस टाइप से आ जाएगी, बता रहा है वो एक सीट ये है आपकी एक पेज और सेकंड पेज यही लिखा हुआ भी आ रहा है, मतलब ये दो उसमें आ रहा है पार्टीशन में आपके, तो आप ये लाइन आ रही पर्पल कलर में, इस लाइन पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे एरो वाला है, आप इसे एक सीट में इस टाइप से कर सकते, तो एक ही सीट लिखी हुई आएगी आप ये बना रही है, ये इस साइड इसलिए ऐसा हो रहा है ब्लैक ब्लैक क्योंकि इसमें आपका डाटा नहीं है, आप जैसे यहाँ पे कुछ डाटा लेंगे देखिए ले रहा है वो आपके सीट को, तो उसमें डाटा नहीं था वो इसलिए ब्लैक ब्लैक एरिया ले रहा है, जितने एरिया में ये ब्लैक ब्लैक ले रहा ना उतने एरिया में आपका ये डाटा नहीं है, डाटा ले लेंगे आप ये वाइट वाइट में इस टाइप से आपको डाटा दे देगा। नहीं उसके लिए भी आप यहाँ से क्या प्रिंट के लिए नहीं, ये तो बता रहा है आपको कि इस टाइप से आपके यहाँ पे सीट है ये, फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल सीट आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट ने हेडर पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको पेज के ऊपर दिया जाता है उस टाइप में आपकी सीट आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट साइड है ये सेंटर में और आगे राइट साइड भी मिलेगा आप, हम पेज सीट का थोड़ा छोटा साइज करते हैं। देखिए एक सीट आपकी ये है, एक यहाँ पे आ रही, एक यहाँ पे आ रही, तो आप एक किसी पे देंगे ना तो वो किस पे आएगा, जितने भी सीट रहेंगे आप उन सभी पे आएगा, जैसे हमने इसमें दे दिया है पर दिख नहीं रहा, अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये दिया हमने यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं। तो आ जाएगा आपको ये देना, अब यहाँ पे भी देना है आपको यार, इसका थोड़ा साइज हम छोटा कर देती हैं तो आप देख पा रहे होंगे तीनों जगह मिल रहा है आपको, और ये आपको नेक्स्ट सीट पे भी मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे आप।